गाइस मेरी बताई हुई सिर्फ ये आसान सी एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए 15 दिन, आपकी 36 की कमर 32 की हो जाएगी। ये इतनी इफेक्टिव है कि आपको उसका रिजल्ट विद इन 15 डेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको इसको रेगुलर फॉलो करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो वीडियो के एंड में, अगर आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देख रहे हैं वीडियो तो अभी शुरू हो जाइए, कल कभी नहीं आएगा। अपने आपको खुद से मोटिवेट करिए, टाइट क्लोज पहनिए ताकि आपका फैट दिखे और आपको लगे कि आपको उसको रिड्यूस करना है। जो अपने बॉडी को मेंटेन करके चलता है ना, वो बहुत सारी बीमारियों से दूर भी रहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जमकर शेयर करिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको करना है लेग रेस। तो लेग रेस के लिए आप अपने हिप के नीचे सपोर्ट दे सकते हैं और उसके बाद में आपको अपनी लेग्स को इस तरीके से ऊपर लाके देन डाउन। डाउन लाने के टाइम आपने अपने आपको थोड़ा स्टेबल करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लेग रेज में हम एक वेरिएंट चेंज कर रहे हैं। तो बस आपने ऊपर लेके जाना है, देन डाउन, देन थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन हमें इसको करना है कम से कम 10 टाइम्स और 10 के हमें करने हैं 5 सेट, यानी 50 टाइम्स हमको रिपीट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पेन होगा, बट पेन होगा तो तभी तो कुछ हमारी बॉडी में से कट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हम 20 करेंगे, 10 नहीं करेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अगेन हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 देन रिलैक्स। अब आपको इसको 10 सेट्स करने हैं और 10 सेट्स में ही आपको इस तरीके से इसको इंक्रीज करते रहना है। अब इंक्रीज करने के बाद आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको इसके 5 सेट्स करने हैं, यानी 50 टाइम्स आपको लेग रेस को रिपीट करना है। अब हम करेंगे अपने साइड फैट पे काम, जिसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है। एक हैंड को आपको ऐसे प्लेस करना है, एक लेग को आपको फोल्ड रखना है और अदर लेग को आपको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 अब आपको अदर साइड पे करना है इसी तरीके से और आपको 50 बार ही राइट साइड करना है, 50 बार ही आपको लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। अब हम थर्ड करने वाले हैं प्लैंक, ठीक है। लेकिन प्लैंक से पहले हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपके टमी के साथ साथ आपके आर्म फैट को भी लूज़ करती है और आपके लोअर टमी को अच्छे से स्ट्रेच आउट करती है। टमी की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को मतलब अपने टमी को अंदर स्क्वीज करके रखना है, खींच के रखना है, ठीक है। सक करना है उसको अंदर, एकदम से प्रेस करके रखना है मसल्स को, तभी वहाँ की मसल टोन होंगी। आपको कम रैप्स में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपको 10 टाइम्स करना है और उसके बाद रेस्ट लेना है और इसके आपको करने हैं कम से कम 5 सेट, यानी 50 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं प्लैंक।
को आप 30 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डेली फॉलो करें, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है विद इन 15 डेज। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट टिप की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इन 15 डेज में अपनी डाइट में से चीनी, नमक, इन सब चीज़ों को कट ऑफ करना है, फ्राइड फूड इनटेक नहीं करना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नया और बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।